वाइल लूप के अंदर एक और प्रोग्राम हम लिखेंगे, जैसे कि अभी हमारे पास डिस्प्ले के ऊपर एक आउटपुट आ रही है, ये भी वाइल लूप ही है, नेस्टेड वाइल लूप की बात कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें यह है कि बाहर वाला लूप जितनी दफ़ा चलेगा, अंदर वाला लूप जो है वो बाहर वाले लूप को फॉलो करता हुआ चलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये वन टाइम चलेगा तो वन टाइम चलेगा, नेक्स्ट ये दूसरा लूप तो दो दफ़ा चलेगा इनर लूप, जब ये तीन दफ़ा हो जाएगा तो इनर लूप भी तीन दफ़ा चलेगा, जब ये चौथी पोजीशन पर पहुँचेगा तो इनर लूप भी चार दफ़ा चलेगा, जैसे ये पाँचवीं पोजीशन पर पहुँचेगा आउटर लूप तो इनर लूप भी पाँच दफ़ा ही चलेगा, और इस तरह की सिचुएशन आपके पास प्रिंट होगी। तो इसके लिए हम उस पहले वाले कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि i 1 से लेके 5 तक चले, ये बिल्कुल ठीक बात है, और u 1 से इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ हम u की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे, सिर्फ इसे डिक्लेयर करें, और क्योंकि हमने इनर लूप को आउटर लूप के हवाले से फॉलो करना है तो जस्ट u डिक्लेयर करें, और ये कब तक चले, जब तक i की वैल्यू होनी चाहिए। i की वैल्यू यहाँ 1 आएगी तो अंदर वाला लूप एक दफ़ा चलेगा और सिर्फ u की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी, वो 1 ही होगी, वो प्रिंट हो जाएगी हमारे पास। इसको वन से इनिशियलाइज भी कर लेते हैं। वन से लेके कब तक चलना चाहिए, वन तक तो मीन एक दफ़ा ही चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ बाहर से वन आ रही है, तो यहाँ पे वन प्रिंट होगा। उसके बाद यू प्लस प्लस की वजह से यू की वैल्यू टू हो जाएगी, तो टू लेस देन इक्वल टू वन कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू बाहर से वन आ रही है इसलिए ये लूप नहीं चलेगा, तो आउटर लूप में हम चले जाएंगे, आई की वैल्यू टू हो जाएगी यहाँ पर। जब टू होगी तो मतलब ये कि कंडीशन ट्रू है, और यहाँ पर इनर लूप जो है वो अब चलेगा आई की यू की वैल्यू वन से लेके आई की वैल्यू टू तक, यानी वन से टू तक, वन से वन भी चलेगा, और जब टू वैल्यू होगी यू की तो फिर भी चलेगा, मीन अंदर वाला लूप दो दफ़ा चलेगा, फिर इस तरह से तीन दफ़ा, फिर चार दफ़ा, और फिर पांच दफ़ा जो लूप चलेगा। अब इसी पीस ऑफ कोड को ज़रा गौर से देखें, वही कोड है, जस्ट हमने इनर लूप को फॉलो करवाया कि वो जितनी वैल्यू आउटर लूप की है उतनी वैल्यू वो ले और ये लूप जो चलाए। अब इसको दोबारा कंपाइल करते हैं और कंपाइलिंग के दौरान इसका रिजल्ट देखेंगे। देखिए वही आउटपुट हमारे पास आ रही है। अब इस आउटपुट को सामने रखते हुए हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले वन प्रिंट हुआ, तो वन कैसे प्रिंट हुआ ज़रा इस बात को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जब ये लूप चला वाइल लूप, तो आई की वैल्यू वन थी जो हमने इनिशियलाइज की, कंडीशन ट्रू होने की वजह से हम इनर लूप में चले गए, अंदर चले गए इसकी बॉडी के अंदर। इस बॉडी के अंदर जब हम पहुंचे तो हमने ये देखा कि अंदर एक और लूप मौजूद है जो वन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये चलेगा कहाँ तक, ये आई की वैल्यू तक चलेगा, बाहर से आई की वैल्यू आ रही है वन, तो ये वन से स्टार्ट होकर वन टाइम चलेगा, मीन वन इज इक्वल वन, वन इज लेस देन इक्वल टू वन, मतलब एक ही दफ़ा चलेगा, तो यहाँ यू की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी वन, तो u प्लस प्लस होने के बाद u की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। जब दोबारा ये इनर लूप चलेगा तो 2 इज लेस देन इक्वल 1, ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाती है, क्योंकि 2 लेस देन और इक्वल 1 नहीं हो सकता, तो हम इस इनर लूप से बाहर आ जाएंगे सी आउट करके अगली लाइन में, और फिर i की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, फिर दोबारा इस लूप पे आ जाएंगे। जब i की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी तो फिर कंडीशन ट्रू है बाहर वाली, तो हम फिर अंदर इंटर हो जाते हैं। जब इंटर हो जाते हैं तो u 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन अब ये कितनी दफ़ा चलेगा, ये अब 2 टाइम्स चलेगा, क्योंकि i की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, ये 1 और 2 दो दफ़ा चलेगा, तो u की वैल्यू दो दफ़ा प्रिंट होगी, एक दफ़ा 1 और एक दफ़ा 2, तो सेम ये सिचुएशन आ जाएगी कि 1 और 2 ये दो दफ़ा प्रिंट होगा, तीसरी दफ़ा प्रिंट नहीं हो सकेगा क्योंकि u की वैल्यू 3 हो जाएगी, i की वैल्यू तो 2 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फिर इनर लूप से भी बाहर आ जाते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर अब वैल्यू 2 की बजाय 3 हो जाएगी इसकी, तो फिर अंदर वाला तीन दफ़ा चलेगा, यानी 1 फिर 2 फिर 3, फिर हम इस इनर लूप से बाहर आते हैं, आई की वैल्यू 4 होती है, तो फिर ये इनर वाला लूप जो 4 टाइम चलेगा, 1 2 3 एंड 4, तो 4 प्रिंट करवा लेगा। फिर जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 हो जाएगी तो फिर इनर लूप 5 दफ़ा चलेगा, 1 2 3 4 एंड 5, और उसके बाद आई की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होकर 6 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम लूप से मुकम्मल तौर पर बाहर आएंगे, हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा ये कहने का एक प्रोग्राम था जो हमने यहाँ लिखा, इतनी मुश्किल बात नहीं थी। अब इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँगा और एक मखसूस किस्म की सिचुएशन में इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे। इसी प्रोग्राम को ज़रा गौर से देखें, हम इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहते हैं, वो चेंजिंग ये कि हर दफ़ा यू जो प्रिंट हो रहा है इसकी वैल्यू के साथ हमने कुछ काम करना है, लेकिन *2 लगाते हैं कि हर दफ़ा यू की वैल्यू जो भी प्रिंट हो रही हो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर जो भी रिजल्ट निकले वो प्रिंट होना चाहिए। तो ज़रा इसको कंपाइल करके इसका रिजल्ट देखें और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब ज़रा गौर करें क्या प्रिंट हो रहा है, 2 2 4 2 4 6 2 4 6 8 2 4 6 8 और 10। अब हो क्या रहा है हमारे पास कि यहाँ यू की वैल्यू 1 थी पहले,
एक दफ़ा लूप चलेगा सबसे पहले तो 1*2:2 प्रिंट होगा, फिर जब ये नेक्स्ट टाइम दो दफ़ा लूप चलेगा तो पहले 1*2:2 रिज़ल्ट आएगा, फिर 2*2:4 रिज़ल्ट आता जाएगा। तो इस तरह से आप ये बात जो है सिंपल सी आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं। अगर यही बात हम यहाँ पे 4 करते हैं तो रिज़ल्ट उसी हवाले से चेंज होगा और हमारे पास इस तरह की प्रॉपर फॉर्मेट में बातें जो हैं वो आसानी के साथ प्रिंट हो सकती हैं। ये एक सीक्वेंस है और ये कह लेंगे इस तरह से लूप जो है आप बार बार इसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसी बात को हम थोड़ा सा अगर चेंज करें, हम चाहते हैं कि ये बात जो है ऊपर से 1 एक दफ़ा लूप चला, फिर 2, 3, 4, 5 दफ़ा लूप चला प्रिंट हुआ, हम इसको उल्ट कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि हम इनक्रीमेंट को डिक्रीमेंट करेंगे। अब बाहर वाला लूप जो है हम चाहते हैं कि वो कब तक चले, मीन वो उसे हम पहले 5 दफ़ा चलाएंगे, मीन आई की वैल्यू को आप 5 से इनिशियलाइज़ कर लें। अब ये लूप 5 दफ़ा चलेगा हमारे पास और आई को 1 by 1 हम डिक्रीमिनेट करते रहेंगे। सिर्फ इतना पीस ऑफ कोड हम चेंज कर रहे हैं और इतना कोड चेंज करने में हम जो बात देखेंगे वो यहाँ पर हम इसको कंपाइल करने के बाद इसका रिज़ल्ट जो है वो लेंगे और देखेंगे जी क्या एक्शन जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। ये लूप जो है वो इनफिनिट हो रहा है। अब कंडीशन जो है लेस देन इक्वल टू 5 से स्टार्ट हो रहा है तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम लिखेंगे ये कब तक चलना चाहिए लूप, ये 1 तक आना चाहिए, कंडीशन हमने बदलनी थी, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जब तक नहीं हो जाता आप चलाते जाएं। 5 से जब वापस आएगा तो 4, 3, 2 और 1 तक ये चलेगा, तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी कंडीशन भी चेंज करनी थी। मैं दोबारा इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। अब देखें कंडीशन सिचुएशन वही है लेकिन लूप उल्ट हो गया। पहले ये नीचे से ऊपर की जानब प्रिंट हो रहा था, अब हमने उल्ट कर दिया, 5 से 4, 3, 2, 1 की फॉर्मेट में इसको प्रिंट करवा दिया। तो ये एक ये कह लें कि मुकम्मल हुआ हमारा प्रोग्राम। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डू वाइल लूप जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसकी कुछ एग्जांपल भी देखें।